हेलो दोस्तों, वेलकम टू राइटेक रिव्यूज़। और आज हम करने वाले हैं ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर बात। हम सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और कुछ फेमस वेबसाइट्स भी हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील, बहुत सारी वेबसाइट्स जिसके थ्रू हम शॉपिंग करते हैं। लेकिन शॉपिंग करते वक्त हम कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, और उन्हीं बातों को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आप थोड़ी सी बातों को ध्यान में रख के अगर ऑनलाइन शॉपिंग करें तो आप अपने पैसे और टाइम दोनों जो है बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेबसाइट की। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें तो किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से करें। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील, मिंत्रा, जबोंग, ये सारी वेबसाइट जो है एक ट्रस्टेड वेबसाइट है। इसके ऊपर जो भी सेलर रजिस्टर्ड हैं वो ट्रस्टेड सेलर हैं। इसके अलावा अगर बात करें ईबे की, तो ईबे पे बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं जिनके थ्रू अगर आप शॉपिंग करते हैं तो कई बार आपको रॉन्ग प्रोडक्ट भी डिलीवर होता है, कई बार फेक प्रोडक्ट डिलीवर होता है, या फिर कई बार आपको प्रोडक्ट भी डिलीवर नहीं होता है। तो आप जब भी शॉपिंग करें किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से ही करें तो आपको जो है नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरी बात है प्रोडक्ट कंपैरिजन। साइट टू साइट हर प्रोडक्ट का प्राइस जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी करता है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ दिखाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं फ्लिपकार्ट पे, और फ्लिपकार्ट पे हम चेक कर लेते हैं एक कैमरा, उसका प्राइस। तो दोस्तों ये है कैनन EOS 700D DSLR कैमरा। अगर बात करें यहाँ पे तो हमें जो प्राइस देखने को मिल रहा है ये है 39,499 रुपीज़ का। और सेम प्रोडक्ट को अगर हम देखते हैं अमेज़ॉन पे, चलिए यहाँ चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर जो सेम कैमरा का जो प्राइस है यहाँ पर जो आ रहा है 42,145 रुपीज़ का प्राइस आ रहा है। तो दोस्तों आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि जब भी आप किसी भी आइटम को बाय करें या परचेज करते हैं किसी भी आइटम को, तो हर वेबसाइट पे जो ट्रस्टेड वेबसाइट है वहाँ जाकर आप जो है एक बार प्राइस कंपैरिजन ज़रूर कर ले तो आप अपने कुछ पैसे जो हैं सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो किसी भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन लेते वक्त सबसे पहले काम जो आपको करना है वो ये करना है कि प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप उसके रिव्यूज़ जो हैं एक बार ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको पता चल पाए कि आपको वो प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या उस प्रोडक्ट के जो है क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को हमेशा अच्छा ही बताती है, उसके लिए प्रोडक्ट कभी ख़राब नहीं होता। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके यूसेज क्या है, आपको प्रोडक्ट सूट करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए आप जो है सबसे पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसके रिव्यूज़ जो हैं ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ उसके स्पेसिफिकेशंस पूरे दिए गए होंगे, कैमरा के बारे में यह सारी डिटेल बताई गई है अभी हम कैमरा की बात कर रहे हैं तो। और अगर नीचे जाकर हम देखेंगे यहाँ पे वेबसाइट पे, तो ये देखिए यहाँ पे जो आपको रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे और कुछ सैम्पल इमेजेस भी कुछ रिव्यू करने वाले लोग जो हैं हमारे जैसे बायर लोग जो हैं वो यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे आप जो है प्रोडक्ट का जो है रिव्यू पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं कुछ सैंपल इमेजेस। लेकिन इस यहाँ पे भी एक कौन है, आप जिस वेबसाइट से इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं हो सकता है कई बार वहाँ पे सेलर या फिर कंपनी जो है फेक रिव्यूज़ भी डालती हैं या डलवा सकती है। तो इसीलिए आप जो है दूसरी वेबसाइट पे या फिर गूगल पे जाके सर्च करें सेम प्रोडक्ट के बारे में, और वहाँ पे भी उसके रिव्यू ज़रूर देखें। की तरफ चौथा पॉइंट होता है सेलर रिव्यू। आप वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हैं लेकिन उस वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत सारे अलग अलग सेलर जो हैं रजिस्टर्ड होते हैं। तो आप जब भी प्रोडक्ट खरीदे सेलर रेटिंग ज़रूर देखें। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पे इस कैमरा को सेल करने के लिए 4 सेलर्स हैं यहाँ पे। जो पहला सेलर जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है जिसका प्राइस 39,499 है, उसकी रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे रेटिंग जो है 4.1 उसको मिली है,
जो आउट ऑफ 5 मतलब 5 में से 4.1 रेटिंग मिली है, यानी कि बहुत अच्छी रेटिंग है। इसके अलावा अगर आप व्यू सेलर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे और भी सेलर दिख जाएंगे जो कि अलग अलग प्राइस में इस आइटम को बेच रहे होंगे। हो सकता है कि कम भी बेचें या ज़्यादा भी करें, तो यहाँ पे आप उनकी भी रेटिंग देख सकते हैं। और ये सेलर रेटिंग इस पे डिपेंड करता है कि कितने प्रोडक्ट इस सेलर ने सेल किए, कितने बेच और कितने रिटर्न आए, या फिर उस सेलर के बारे में कस्टमर की तरफ से क्या फीडबैक आया, जो उसने आइटम कस्टमर को भेजा उसकी प्रॉपर पैकिंग थी या नहीं थी, प्रोडक्ट जो है ओरिजिनल था या नहीं था, इसके ऊपर डिपेंड करता है सेलर की रेटिंग। तो आप हमेशा सेलर रेटिंग ज़रूर चेक करें कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले। तो दोस्तों अब बात करते हैं रिटर्न पॉलिसी की। रिटर्न पॉलिसी हर वेबसाइट पे हर आइटम के लिए, एक्सेसरीज़ के लिए, कपड़ों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, सबके लिए अलग अलग रिटर्न पॉलिसीज़ होती हैं। तो आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से पहले रिटर्न पॉलिसी ज़रूर पढ़ें। उससे क्या होगा कि अगर बाई चांस आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है या फिर उसमें किसी तरीके की कोई डैमेज है या कोई कमी है, तो आप जो है अपना रिफ़ंड जो है क्लेम कर सकते हैं। इसीलिए आप कभी भी शॉपिंग करने से पहले रिफ़ंड पॉलिसी को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे अपनी जो है रिटर्न पॉलिसी चेंज कर दी है। आपको वहाँ अगर आपको कोई प्रोडक्ट गलत डिलीवर होता है या फिर प्रोडक्ट में किसी तरीके का फॉल्ट है, तो विद इन अ 10 डेज़ या 30 डेज़, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वरी करता है, तो आप वहाँ से जो है इसको चेंज कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू। शॉपिंग करें तो आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या फिर कैश ऑन डिलीवरी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा अगर आपके पास डेबिट और क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, डेबिट कार्ड से बिल्कुल ना पेमेंट करें। क्योंकि डेबिट कार्ड जो आता है वो आता है EFTA यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एक्ट के अंदर, और जो क्रेडिट कार्ड आता है वो आता है FCBA यानी कि फेयर क्रेडिट बिलिंग एक्ट के अंदर। तो अगर बात करते हैं रिफ़ंड की, तो रिफ़ंड लेना जो है क्रेडिट कार्ड में बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको बाई चांस लीगल मैटर्स में जाना भी पड़ता है अपने रिफ़ंड के लिए, तो वहाँ पे जो है कस्टमर को सेव करने के लिए क्रेडिट कार्ड का जो एक्ट है वो बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू डेबिट कार्ड का एक्ट जो कि है EFTA। अगर आपने डेबिट कार्ड से या फिर ATM कार्ड से पेमेंट किया है तो उसके लिए आपको बैंक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, और वहाँ का रिफ़ंड आने में भी आपको बहुत टाइम लग सकता है, महीना, 1.5 महीना या 2 महीने भी लग सकते हैं। तो इसीलिए मैं प्रेफर करूँगा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, अदरवाइज कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ही चुनें। अब बात करते हैं 7th पॉइंट की, यानी कि जो हमारा लास्ट पॉइंट है। आजकल बहुत सारी जगहों पे आप जाते हैं, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, या फिर अब कई पब्लिक प्लेसेस पे भी आपको फ्री वाईफाई का ऑप्शन मिलता है, हॉटस्पॉट मिल जाता है, आप वहाँ पे उसको ऑन करते हैं और अपना मोबाइल यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो है पब्लिक वाईफाई पे कभी भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग ना करें और कोई भी पेमेंट तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहाँ पे जो है काफ़ी सारे फिशिंग अटैक हो सकते हैं, आपका जो कार्ड का डिटेल है वो लीक हो सकता है, आप सेम वेबसाइट वहाँ पे सेम फेक वेबसाइट बनानी जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप वहाँ पे अपनी कार्ड डिटेल एंटर करेंगे और आपकी स्क्रीन जो है बाहर जो रही होगी, आपकी जो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाएगी, जिससे बाद में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी पेमेंट पब्लिक वाईफाई पे बिल्कुल ना करें, जहाँ तक हो सके आप अपने पर्सनल या फिर अपने ही मोबाइल डेटा पे उस पेमेंट को करें। तो दोस्तों ये थे 7 पॉइंट्स ऑनलाइन शॉपिंग को लेके, जिसको ध्यान में रखते हुए आप सेफ ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को जो है बचा सकते हैं, कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।